हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो हम फिर से गाइस खेलने वाले गए एमपीएल पर पूर्व में। एंड गाइस, इस गेम प्ले आपको ये पता चलेगा कि जो है गेम प्ले में कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आप जैसा सोचते हो हमेशा वैसा नहीं होता। सो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, तभी आपको समय लगा कि क्या हो सकता है। ओके, सो गेम प्ले अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जो कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जो कर देना। ओके, सो गाइस बात करते हैं इस गेम प्ले के बारे में। देख सकते हो फर्स्ट राउंड में ओनली प्योर सिक्वेंस है। अगर सिंगल जोकर होता तो वो भाई रिस्क ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास 10 और एस का सेट रहे होने के चांसेस थे। सो हम ड्रॉ भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लेयर की टेबल पर किसी बंदे के पास अगर ओपी कार्ड हो ना तो भाई हमारे लगा देगा पॉइंट फर्स्ट राउंड में। सो इससे अच्छा कि आप ड्रॉ भी कर दो, ओके, रिस्क ना ही लो। सो गाइज हम करते हैं इसी के साथ बैट्स की। 2 प्लेयर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और 4 प्लेयर ने ड्रॉप कर दिया। सो देखते हैं कौन डिक्लेयर करता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइज जो सेकेंड लेफ्ट प्लेयर होता है ना, ये बंदा ओनली 2 पॉइंट से लॉस होता है। क्या बात है भाई, कितने ओपी कार्ड थे दोनों बंदे के पास। वैसे जिस बंदे के 2 पॉइंट लगे ना, आप मान के चलो कि इस बंदे ने भाई डिक्लेयर ही किया है एक हिसाब से, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं होते, आपको पता ही होगा। खैर छोड़ो। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं। एंड गाइज इस बार कार्ड देखो भाई साहब कितने ओपी हैं, मतलब प्योर सिक्वेंस है और 4 जोकर है, जिसमें से एक जोकर हमारा प्योर सिक्वेंस में अरेंज हो चुका है। बट कोई नहीं, हमको डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए। ओपन डेक में 4 है, सो 4 पिक नहीं करेंगे, क्लोडस ही कार्ड पिक करते हैं। ओ भाई इनवैलिड कार्ड जे है, सो मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ओपन डेक से हमारे पास इनवैलिड कार्ड आना था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बनते कहीं ड्रॉप ही ना कर दें सभी, कोई बंदा तो प्ले करेगा आई थिंक, या फिर सभी ड्रॉप करेंगे। ओके भाई से बंदे ने तो ओपन डे से किंग पिक कर लिया, शायद ये बंदा तो हाईएस्ट पॉइंट से लॉस नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है। ओके बंदे ने 10 डिस्कार्ड किया, पिक कर लेते हैं। एंड डिक्लेयर तो अभी नहीं होने वाला। अब देखो हम 10 डिस्कार्ड करें 7 या फिर क्वीन डिस्कार्ड करें, मतलब के बंदे कार्ड पिक कर सकते हैं। सो मैं डैम 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। चलो बढ़िया, बंदे ने पिक नहीं किया, क्योंकि मैंने 10 कोई सुबह से भी होल्ड नहीं रखा और ये जो है हाई कार्ड था। एंड गाइस देखो हमको जो सिंगल कार्ड चाहिए, क्वीन के रिलेटेड भी कार्ड आ सकता है, जे के रिलेटेड भी। सो इस वजह से हमने 10 कोई डिस्कार्ड कर दिया। ओके बंदे ने डिस्कार्ड किया एस, अगर हर्ट एस डिस्कार्ड करता तो भाई डिक्लेयर कर सकते थे। एंड गाइज यहाँ पे 4 आ चुका है। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी गाइज, मुझे ना 5 जोकर है तो बंदा 4 का भी सेट नहीं कर सकता, 3 का भी। और इस बंदे ने जो किंग पिक किया था ओपन ऐसे, सो हम 4 डिस्कार्ड कर ही देते हैं भाई, पिक ना मत करना। ओके बंदे ने पिक नहीं किया, चलो बढ़िया। एंड गाइज देखो हमको कहाँ पे ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए थे और कहाँ पे देखो 4 या फिर 5 टर्न हो चुके हैं आई थिंक। ओके एस डिस्कार्ड कर रहा है बंदा, सो हम डिस्कार्ड कर सॉरी क्लोडस ही कार्ड पिक करते हैं। ओके और फाइनली गाइज यहाँ पे हर्ट किंग आ जाता है, सो 3 के साथ कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। ओ भाई साहब क्या बात है, गजब, मतलब जिस बंदे ने किंग पिक किया था ना ओपन ऐसे, यानी कि 3rd राइट प्लेयर, इस बंदे के देख सकते हो डायरेक्ट 80 पॉइंट लग चुके हैं और डीलर के 26 पॉइंट लगे हैं, मतलब किस बंदे ने ओनली वैलिड कार्ड पिक कर रहा था ये भाई, क्या बात है। मतलब किसको ऐसा लगा कि हमने किंग डिस्कार्ड किया तो भाई इसको एस और जे भी डिस्कार्ड कर देंगे, इसके माइंड में ये चल रहा था। लेकिन इसको पता नहीं था भाई कि हमने ओनली इनवैलिड कार्ड डिस्कार्ड किया था, ना कि वैलिड भाई साहब। चलो कोई नहीं, इस बंदे के 100 पॉइंट लग चुके हैं, यानी कि ये बंदा आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास कार्ड तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जोकर सिंगल था और प्योर सिक्वेंस भी नहीं था। सो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, क्योंकि पता ही होगा आपको जब 6 प्लेयर की टेबल होती है ना भाई, जिस बंदे के पास ओपी कार्ड होते हैं तो बंदा हाइएस्ट पॉइंट लगा देता है। सो गाइज हम करते हैं इसी के साथ अगेन बैट्स की, यहाँ पे 2 प्लेयर प्ले कर रहे हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन डिक्लेयर कर पाता। ओके सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है 22 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइज जो सेकंड लेफ्ट प्लेयर होता है, ये बंदा 32 पॉइंट से लॉस होता है भाई साहब, गलत सीन हो गया इस बंदे के साथ अभी।
क्योंकि देखो अगर इस बंदे के 20 से डाउन पॉइंट होते तो फिर इसको बेनिफिट मिलता। अब तो भाई इस बंदे के 32 पॉइंट लग चुके हैं, यानी कि इस बंदे के पास ओनली सिंगल टाइम में ड्रॉ करने का ऑप्शन। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास काफ़ी ओपी कार्ड है, यानी कि हमको डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए। 10 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे राइट प्लेन ने ड्रॉप कर दिया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये भी थी कि मेरे पास 5 डबल है तो बंदा पिक कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चलो बढ़िया, लेकिन हर्ट एस डिस्कार्ड जरूर किया इस बंदे ने। सो हर्ट एस पिक नहीं करेंगे, क्लोडेस ही कार्ड पिक करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ओनली सिंगल कार्ड और यहाँ पे हर्ट किंग। क्या ही बोलूँ, मतलब यूजलेस कार्ड आए जा रहे हैं। अगेन हर्ट एस भाई, डायमंड किंग किस बंदे के पास है? डायमंड किंग या फिर डायमंड 10 आ जाए। ओके 7 आ चुका है, अब मुझे ना एस डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टर्न हो चुकी हैं। लेकिन भाई बंदे का ट्राई भी था एस पिक करना, क्या ही बोलूँ गाइज। मतलब इस बंदे ने बैक टू बैक एस डिस्कार्ड किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को शायद एस की नीड नहीं होगी, लेकिन भाई इस बंदे ने एस को पिक कर लिया। अब मैंने 7 को इस वजह से होल्ड रखा था क्योंकि 8 जोकर तो बंदा 7 पिक कर सकता था। अब मेरे माइंड में तो यही चल रहा था, लेकिन भाई अब देखो अगेन सिचुएशन, मतलब 3 डिस्कार्ड करूँ, 2 डिस्कार्ड करूँ, 5 या फिर 7, मतलब काफ़ी गजब की सिचुएशन हो रखी है। सो मैं 3 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब बंदा या तो पिक करेगा या तो ना पिक करेगा, लेकिन पिक कर ही लेता। अब देखो, और 7 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, मैं 7 पिक कर ही लेता हूँ एंड करते हैं डिस्कार्ड 5। अब मुझे ये भी डाउट था 5 बंदा पिक कर सकता है, क्योंकि 5 हमारे पास इनवैलिड था, लेकिन बंदे ने पिक कर लिया, लेकिन फाइनली डिक्लेयर जरूर कर दिया, क्या बात है। चलो कोई नहीं गाइस, हमारे ओनली 2 पॉइंट लगे हैं। अब देखते हैं बंदे ने एस के साथ क्या किया था। ओ भाई प्योर सिक्वेंस। खैर कोई नहीं गाइस, गलती होगी हमारे से। अगर हम एस का सेट रहे करते ना तो शायद ये उस बंदे के हाईएस्ट पॉइंट लगा देता मैं जोर। चलो कोई नहीं, अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस कार्ड तो काफ़ी ओपी हैं, लेकिन गाइस हमारे पास प्योर सिक्वेंस नहीं है। बट प्योर सिक्वेंस तो आई थिंक ईजी रेंज हो जाएगी, क्योंकि देख सकते हो हमारे पास कितने वैलिड कार्ड हैं। डायमंड 10 आ सकता है, किंग आ सकता है, 9J 8 6, मतलब कि प्योर सिक्वेंस तो हमारी रेंज हो जाएगी इजी। वैसे यहाँ पे जितने ज़्यादा प्लेयर प्ले करेंगे उतने ही हमारे प्योर सिक्वेंस रेंज होने के चांसेस कम हैं, और जितने कम होंगे और हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज होने के चांस उतने ज़्यादा हैं। ओके यहाँ पे हमारे पास भी भाई कमी नहीं आता है, सो मैं 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मैंने 10 को इस वजह से डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि बंदा क्या क्या पता हमको फॉलो करेगा या फिर नहीं, लेकिन भाई बंदे ने तो 8 को पिक कर लिया। ओ भाई 2 डिस्कार्ड कर रहा है 5, सो मैं क्वीन ही डिस्कार्ड करूँगा, क्योंकि मैं गाइज नहीं चाहता कि ये बंदा अगेन ओपन ऐसे कार्ड पिक करे और भाई डिक्लेयर ही कर दे। 6 डिस्कार्ड कर रहा है, ओके 9, मतलब देखो यूजलेस हमारे पास कार्ड आ जा रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ गाइज। अब 5 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन देखो बंदे ने 5 भी कर लिया। अब बंदा कार्ड डिस्कार्ड करे तो कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करे भाई, जिससे ये पिक ना कर पाए। ओके किंग डिस्कार्ड कर रहा है, एंड गाइस देखो हमारे पास डायमंड 7। सो बंदे ने 5 पिक किया तो आई थिंक 7 पिक नहीं करेगा, चांसेस तो बहुत ही कम है। सो मैं 7 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के पास 10 हो सकता है। ओके और फाइनली गाइस ये जो बंदा किंग डिस्कार्ड आखिरकार कर ही देता है, इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस ने हो चुकी है और डायरेक्ट डिक्लेयर। अब देखते हैं गाइस इस बंदे को कितने वैलिड कार्ड चाहिए थे, लेकिन ये बंदा तो डेट एलिमिनेट हो चुका है भाई। ओ भाई इस बंदे के पास 8 था डबल, यानी कि हमारी प्योर सिक्वेंस ने होनी तो पक्का तय थी। जितना मर्जी ये बंदा जोर लगा लेता ना, हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज होनी ही होनी थी। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर दिक्कत वही है कि जोकर ही नहीं है भाई। अगर कार्ड यही होते तो हमारे पास सेकंड लाइफ ही होती ना, तो शायद मैं रिस्क लेने का सोचता, बट देखो अभी हमारे पास ऑप्शन है तो भाई रिस्क क्यों ही लें, ड्रॉप ही कर देते हैं। ओके एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप,
देखते हैं काउंट क्लियर कर पाता है। 62 पॉइंट बंदा प्ले कर रहा है और 86 पॉइंट बंदा प्ले करेगा, सो देखते हैं। ओके, और फाइनली गाइज यहाँ पे जो है 80 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है एंड गाइज राइट और लेफ्ट प्लेयर दोनों को एलिमिनेट कर देता है। मतलब क्या ही बोलें भाई, इन बंदों की प्योर सिक्वेंस नहीं होनी होनी थी इस बंदे ने तो। अब देखो यहाँ पे इस बंदे के पास भी वन टाइम ड्रॉ करने का ऑप्शन और हमारे पास भी, मतलब सिचुएशन देख रहे हो। अब देखो अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड गाइज कार्ड देखो हमारे पास, मतलब कि सिंगल जोकर है और मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस बंदे को ऐसे बहुत ही गंदे कार्ड थे। एंड गाइज देखो हम इस बंदे को स्प्लिट पैक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं लेकिन ये बंदा रिजेक्ट ही कर देता क्योंकि भाई इस बंदे के पास एटीट्यूड आ चुका था क्योंकि ऑप्शन था। खैर कोई नहीं, अब देखते हैं गाइज लास्ट राउंड होने वाला है। लेकिन भाई लास्ट राउंड में जो हमारे साथ होने वाला ना आप भी देख के चौंक जाओगे, बस देखते जाओ। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड गाइज देखो हमारे पास कार्ड, मतलब कि ओनली प्योर सिक्वेंस है। लेकिन गाइज ये जो बंदा है ना ओपन ऐसे कार्ड पिक करता है और इसी के साथ प्योर सिक्वेंस सेट वगैरह अरेंज करके ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर देता है। मतलब पे हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ का कि ऐसा भी हो सकता है। खैर हम उस स्टेज पे प्ले किए होते ना जहाँ पे हमने ड्रॉप किया ब्लफ मारते तो शायद हम इस बैट को विन कर सकते थे। खैर कोई नहीं, लॉस में तो चलता रहता है। सो अगर गाइस आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक जो कर देना।